हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग अरुण। तो गाइस यार, आज बात करेंगे मार्वल की फिफ्थ मूवी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स के बारे में। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग होती है वर्ल्ड वॉर टू के सीन से, जहां पर जर्मनी में हिटलर का राज चल रहा था। तो गाइस 1934 में जोहान स्किमिट नाम का एक जर्मन का साइंटिस्ट हिटलर से जाकर मिलता है और हिटलर उसे अपनी फौज में ही शामिल कर लेता है ताकि वो जर्मन की आर्मी के लिए नए नए हथियार बना सके, जो कि उसे जंग जीतने में मदद करेंगे। और उसके बाद उसने जर्मनी के अंदर एक हाइड्रा नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें हथियार बनाने का काम होता था। जॉन स्मिथ टेक्नोलॉजी के साथ साथ माइथोलॉजी और मैजिक में भी बिलीव करता था, इसलिए वो सोचता था कि कुछ ऐसे भी हथियार हैं जो कि देवताओं के द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं और अगर वो उसे मिल जाए तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया एवोल्यूशन होगा। पर वो जानता था कि उसकी शक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए उसे भी शक्तिशाली बनना पड़ेगा। सन 1940 में उसने अब्राहम एरस्काइन नाम के एक साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया था। डॉक्टर एरस्काइन ने एक ऐसा सीरम बना लिया था जिससे एक सिंपल आदमी को भी फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग किया जा सकता था और उस सीरम का नाम सुपर सोल्जर सीरम था। उस सीरम का काम अभी पूरा नहीं हुआ था पर स्किमिट ने उसे डॉक्टर से छीन लिया और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया था। उसे उस सुपर सोल्जर सीरम की वजह से शक्तियाँ तो मिल गई थी पर उसी के साथ साथ उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी उसके शरीर के ऊपर हो गए थे, जैसे कि उसका फेस पूरा बिगड़ चुका था और अब उसे एक नया नाम मिल चुका था, रेड स्कल। अपने इस चेहरे को छुपाने के लिए स्किमिट ने एक नया मास्क बनाया जो कि उसी के चेहरे का था और उसे अपने चेहरे के ऊपर पहनना स्टार्ट कर दिया था। फिर उसने नॉर्स माइथोलॉजी के बारे में स्टडी की जिससे उसे एक टेजरेक्ट क्यूब के बारे में पता चला था। उसने उसकी बहुत तलाश की और 1942 में उसे वो मिल भी गया। सन 1943 में वर्ल्ड वॉर टू अपने पूरे जोर पर था और सब तरफ हंगामा मचा हुआ था और उसके बाद वहाँ पर दिखाया जाता है कि एक स्टीव रॉजर्स नाम का लड़का US आर्मी में भर्ती होना चाहता था। स्टीव रॉजर्स एक बहुत ही बड़ा देशभक्त था पर वो शरीर से बहुत ही कमज़ोर था। उसने कई जगह पर भर्तियां की थी पर वो हर बार फेल हो जाता था क्योंकि वो फिज़िकली बहुत ही कमज़ोर था। ऐसे ही एक बार जब वो भर्ती करने के लिए गया था तब वहां पर उसने अपने दोस्त से इस बात के बारे में बातचीत की थी। उसके दोस्त का नाम था बकी बार्नेस। इसी बात को करते करते उसके बाद डॉक्टर एरस्काइन सुन लेते हैं। डॉक्टर एरस्किन अब US आर्मी के लिए काम करता था और उसने स्टीव रॉजर्स को देखकर उसे मिलिट्री में भर्ती कर लिया था क्योंकि अब सुपर सोल्जर सीरम पूरी तरह से तैयार हो चुका था। तो उसे टेस्ट करने के लिए एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे, इसीलिए डॉक्टर एरस्किन स्टीव रॉजर्स को चुनते हैं। और स्टीव रॉजर्स की देशभक्ति, उसकी मेहनत को देखकर डॉक्टर एरस्काइन ने उसे ही सुपर सोल्जर सीरम देने का फैसला कर लिया था। स्टीव रॉजर्स पहले से ही बहुत ही केयरिंग था और वो एक अच्छा इंसान था जो कि अपने देश के लिए जान दे भी सकता था, इसीलिए डॉक्टर एरस्काइन ने ही फैसला किया था कि उसे ही सुपर सोल्जर सीरम दिया जाएगा। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि स्किमिट आर्निम ज़ोला नाम के एक साइंटिस्ट से एक मशीन बनवाई जो कि टेजरेक्ट की सारी पावर कंज्यूम कर सकती थी और उसने उस टेजरेक्ट की मदद से बहुत सारे हथियार बना लिए थे और अब वो उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन हाइड्रा को हिटलर से अलग कर लिया था। फिर उसके बाद उसने बगावत शुरू कर दी क्योंकि वो चाहता था कि वो पूरे देश पर राज करे। उसके बाद उसे पता चलता है कि डॉक्टर एरस्किन USA में है और वो वहाँ के सोल्जर्स को सुपर सोल्जर सीरम दे रहे हैं जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तो वो डॉक्टर एरस्किन को मारने के लिए अपना एक एजेंट भेज देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर एरस्किन अब स्टीव रॉजर्स पर उस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके थे और डॉक्टर एरस्काइन ने हार्ड स्टॉक की मदद से स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम दे दिया। सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद स्टीव रॉजर्स का शरीर पूरी तरह से बदल चुका था। अब उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव आ गए थे और वो फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया था। अब इस प्रोसेस के ख़त्म होने के बाद जो हाइड्रा का एजेंट आया था उसने डॉक्टर एरस्काइन को मार दिया था और अब वो सुपर सोल्जर सीरम की लास्ट ट्यूब को वहाँ से उठाकर भाग गया था। पैगी कार्टर, जो कि US की एक एजेंट होती है, वो उस एजेंट को रोकने की कोशिश करती है पर वो वहाँ से उससे बचकर भाग जाता है। फिर उसके पीछे स्टीव रॉजर लग जाता है जो कि उसका पीछा करने लगता है, उसे पकड़ भी लेता है पर जानकारी देने के डर से वो हाइड्रा का एजेंट सुसाइड करके मर जाता है और वो आखिरी ट्यूब जो सुपर सोल्जर सीरम की बची थी वो भी टूट के
बर्बाद हो जाती है। यूएस आर्मी वाले चाहते थे कि डॉक्टर एरिस्काइन अपने इस फॉर्मूले की मदद से बहुत सारे सुपर सोल्जर्स बनाएं, पर अब डॉक्टर एरिस्किन मर चुके थे और उनका सुपर सोल्जर सीरम का फॉर्मूला भी तबाह हो चुका था। इसीलिए अब यूएस आर्मी के जनरल स्टीव रोजर्स को साइंटिस्ट के पास छोड़ देते हैं और उनसे कहते हैं कि उसकी बॉडी को टेस्ट करके उस फॉर्मूले को निकालें और उससे सुपर सोल्जर सीरम बनाएं। उसके बाद स्टीव रोजर्स को एक नया काम दिया जाता है। फिर स्टीव रोजर्स को कैप्टन अमेरिका नाम देकर उससे वॉर बॉन्ड्स यानी कि एडवर्टाइजमेंट्स करवाने लगते हैं और उन्हें बेचने लगते हैं, जिससे कि वॉर के लिए पैसे इकट्ठे हो सकें। अब इस काम की वजह से स्टीव रोजर्स फेमस तो हो गया था, उसे लोग कैप्टन अमेरिका के नाम से बुलाने लगे थे। वो चाहता था कि उसे मैदान में लड़ाई के लिए भेजा जाए। फिर एक बार जब स्टीव रोजर्स इटली में एक शो कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसका दोस्त बकी बार्नेस, जो कि हाइड्रा में खुफिया जानकारी लेने गया था, वो वापस नहीं लौटता है, वहाँ पर लापता हो जाता है। इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए अपने आप अकेला ही चला जाता है। स्टीव रोजर्स को हाइड्रा के बेस में पहुंचकर बहुत सारी जानकारी मिलती है। वो बकी बार्नेस के साथ साथ अपने कुछ यूएस आर्मी सोल्जर्स जो पुराने कैद करे होते हैं उन्हें भी छुड़वा लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। वो सारे के सारे यूएस आर्मी के सोल्जर वहाँ पर फाइट करने लगते हैं हाइड्रा के एजेंट से। और जब रेड स्कल को पता चलता है कि अब उसकी फौज कमज़ोर पड़ने लगी है तो वो अपने बेस को सेल्फ डिस्ट्रक्ट यानी कि अपने आप ही उड़ा देता है और उसके बेस को तबाह कर देता है, जिससे कि कोई खुफिया जानकारी यूएस आर्मी के सोल्जर्स को पता ना चले। वहाँ पर स्टीव रोजर्स का सामना रेड स्कल से हो जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसका दुश्मन रेड स्कल है, जो कि हाइड्रा के ऑर्गेनाइजेशन का हेड था। उसके बाद रेड स्कल और एनिनजोला वहाँ से भाग जाते हैं और स्टीव रोजर्स अपने सारे यूएस आर्मी के सोल्जर्स को लेकर वापस आ जाता है। स्टीव रोजर्स की इस बहादुरी को देखकर उसे यूएस मिलिट्री आर्मी में एक हेड बना दिया जाता है और हार्वर्ड स्टार्क उसे एक नई शील्ड देता है जो कि वाइब्रेनियम से बनी हुई होती है, और एक नया सूट देता है जो कि कैप्टन अमेरिका का होता है। फिर स्टीव रोजर्स अपने कुछ यूएस आर्मी के सोल्जर्स की टीम बनाता है और हाइड्रा के कई बेस तबाह कर देता है। उसके बाद फिर 1945 में यूएस की मिलिट्री को एनिनजोला की लोकेशन का पता चल जाता है और स्टीव रोजर्स अपने साथियों को लेकर उसे पकड़ने के लिए वहाँ पर जाता है। वो एक चलती ट्रेन पर पहुँच जाते हैं, वो उस ट्रेन के अंदर घुस जाते हैं और एनिनजोला को पकड़ लेते हैं, पर बकी बार्नेस उस ट्रेन से नीचे गिर जाता है, जो कि स्टीव रोजर्स का दोस्त होता है। फिर एनिनजोला उन्हें बताता है कि कल अमेरिका के कई शहरों में बॉम्ब गिराने वाला है, और उसके बाद वो रेड स्कल को रोकने के लिए हाइड्रा के मेन हेडक्वार्टर्स में जाते हैं। वहाँ पर कैप्टन अमेरिका पहुँचता है तो रेड स्कल अपने बॉम्ब्स को लेकर और डेसरेक्ट को लेकर एक प्लेन के अंदर वहाँ से भागने लगता है, और उसके बाद स्टीव रोजर्स उसका पीछा करता है और वो भी उस प्लेन में चढ़ जाता है। उसके बाद दोनों के बीच लड़ाई होती है। जब उन दोनों के बीच लड़ाई हो रही होती है तो इस बीच ही डेसरेक्ट क्यूब का जो कंटेनर होता है जिसमें डेसरेक्ट क्यूब रखा होता है वो ख़राब हो जाता है और डेसरेक्ट क्यूब बाहर आ जाता है। उसके बाद रेड स्कल उस डेसरेक्ट क्यूब को अपने हाथ में ले लेता है और एक वॉर्म होल खुलता है जो कि रेड स्कल को एक दूसरी दुनिया में यानी कि वोरमीर नाम के प्लैनेट पर ले जाता है। उसके हाथ से डेसरेक्ट गिर जाता है और वो उस प्लेन से नीचे गिर जाता है। उस प्लेन में बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब थे जिसे सिटी में लैंड कराना बहुत ही खतरनाक था, इसलिए वो उस प्लेन को आर्कटिक में लैंड कराता है और उसके साथ वो प्लेन उस बर्फ़ में जम जाता है, जिसके साथ साथ कैप्टन अमेरिका भी उसी बर्फ़ में जम जाता है। यूएस गवर्नमेंट स्टीव रोजर्स को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है पर उन्हें स्टीव रोजर्स नहीं मिलता है। हावर्ड स्टार्क को और उसके साथियों को टेसरेक्ट क्यूब मिल जाता है पर उन्हें स्टीव रोजर्स का पता नहीं लग पाता। उसके बाद 66 साल बाद 2011 में आर्कटिक के कुछ साइंटिस्ट को वो प्लेन मिल जाता है और उसमें उन्हें कैप्टन अमेरिका की एक जमी हुई बॉडी भी मिल जाती है, पर उन्हें पता चलता है कि स्टीव रोजर्स अभी भी ज़िंदा है क्योंकि स्टीव रोजर्स को सुपर सोल्जर सीरम दिया गया था, इसलिए तक वो उस बर्फ में जमने के बाद मरा नहीं था और बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं हुआ था। और अब शील्ड कैप्टन अमेरिका को यानी कि स्टीव रोजर्स को संभालने की जिम्मेदारी लेता है, उसे एक ऐसे रूम में रखता है जहाँ का एनवायरनमेंट 1940 जैसा ही था। जब स्टीव को होश आए तो वो नया ज़माना देखकर डरे नहीं, पर होश में आने के बाद स्टीव रोजर्स को पता चलता है कि वहाँ कुछ अजीब है और वो उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। जब वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो उसे चारों तरफ एक नई दुनिया दिखाई देती है जो कि अब एक मॉडर्न टाइम बन चुका था। उस पर निक फ्यूरी जो कि शील्ड के डायरेक्टर हैं वो आते हैं और वो स्टीव रोजर्स से कहते हैं कि शांत हो जाओ। फिर निक फ्यूरी से कहता है कि वो लगभग 70 साल से होश में नहीं था। इसके बाद यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जिसमें कि स्टीव रोजर्स पंचिंग बैग के ऊपर बॉक्सिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पर
शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी आते हैं और वो कहते हैं कि हमें कैप्टन अमेरिका की मदद चाहिए क्योंकि एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, क्योंकि दुनिया खतरे में थी इसीलिए। फिर हमें उसके बाद सारे एवेंजर्स दिखाए जाएंगे इससे अगली मूवी दी एवेंजर्स में। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें। मार्वल सीरीज की और मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।